हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जो कि है एंटोनिम और सिनोनिम। तो देखते हैं, पहले इसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो पहला इसमें सेंटेंस है, वी गो टू टेंपल एट डॉन। हम सुबह के टाइम जब सूर्य उदय होता है तब मंदिर जाते हैं। एंटोनिम होते हैं अपोजिट वर्ड्स, जैसे कि नाम से पता चल रहा है एंटी, एंटी होता है दुश्मन, तो इसी तरह अपोजिट। तो यहाँ है डॉन, सूर्य जब निकलता है और धूप नहीं होती है उससे पहले का टाइम होता है, जिसे के गो धूली बोलते हैं। इसका हमें अपोजिट बताना है तो इसका आंसर है डस्क। नेक्स्ट है द वर्क इज वेरी हार्ड। ये बिल्कुल इजी है क्योंकि हार्ड का एंटोनिम होगा इजी। नेक्स्ट है लायंस आर वाइल्ड बट डॉग्स आर। तो ये जो वाइल्ड होते हैं, जो जंगल में रहने वाले जानवर होते हैं, इसका अपोजिट होगा जो घर में रहने वाले पालतू पशु होते हैं, तो इसका आंसर आएगा टैम। टैम पालतू पशुओं को इंग्लिश में टैम कहते हैं। नेक्स्ट है मोहन इज ए रिच मैन बट हिज ब्रदर इज। तो यहाँ रिच है, इसका हमें एंटोनिम बनाना है। ये तो आप सभी को पता होगा, रिच का एंटोनिम होता है पुअर, अमीर का उल्टा गरीब। नेक्स्ट है ही इज ए गुड बॉय बट हिज फ्रेंड इज वेरी बैड। ये भी बिल्कुल इजी है। तो बच्चों समझ गए होंगे एंटोनिम क्या होते हैं। अपोजिट मीनिंग जिसका हो वो एंटोनिम होते हैं। हिंदी में विपरीत अर्थ भी कहते हैं। एक और एक्सरसाइज देख लेते हैं हम एंटोनिम की। हर्ष लाइक्स टू डैश एंड डजंट लाइक्स टू लॉस। लॉस होता है गंवाना, तो इसका उल्टा हुआ जो मिले, मतलब विन जीतना। हारने की बजाय हर्ष को क्या पसंद है, जीतना। नेक्स्ट है विच पेयर ऑफ वर्ड्स इज एंटोनिम। तो ये देखते हैं, ये तो सेम है, बिग और लार्ज ये भी सेम है, ओल्ड और न्यू, तो ये है दोनों बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि ओल्ड पुराना, न्यू नया। तो नेक्स्ट और देखते हैं हम एंटोनिम की एक और एक्सरसाइज। इसमें भी क्या करना है, द विंटर इज वेरी कोल्ड बट द समर इज हॉट। तो इसमें जो अपोजिट है वो क्या है, कोल्ड और हॉट, जो नीचे दिए हुए हैं ऑप्शंस में, ये ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है रवि बोट ए काओ एंड सोल्ड हिज गोट। रवि ने एक गाय खरीदी, अपनी बकरी बेच दी। तो दोनों अपोजिट वर्ड हो गए ना, एक खरीदना और एक बेचना। नेक्स्ट है चूज द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो वही फिर से एक्सरसाइज है, इसका अपोजिट बताना है हमें काइंड का। तो काइंड का अपोजिट होता है क्रूअल, काइंड दयालु और क्रूअल क्रूर निर्दयी। नेक्स्ट है अमित इज वेरी हैप्पी टुडे। ये तो सभी को पता होगा बच्चों, हैप्पी खुश और सैड दुखी, सुख और दुख दोनों अपोजिट हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अब हम करेंगे सिनोनिम। सिनोनिम आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, सी से सै बना सकते हो, समानार्थी, जिसका के एक जैसा मतलब हो, जिसे कि हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं। तो इसके एक्सरसाइज देखते हैं। द रिबन इज बिग, तो इसका सिनोनिम देखना है हमें। ये बात दोनों याद रखनी पड़ेंगी, एंटोनिम तो होता है उल्टा और सिनोनिम होता है बिल्कुल उसका सेम। तो बिग का सेम क्या होगा, बड़ा। तो बड़ा यहाँ पर क्या है, लार्ज, लार्ज का मतलब बड़ा होता है, क्योंकि टाइनी, लिटल, स्मॉल ये सब छोटे हैं और एंटोनिम है बिग के। नेक्स्ट है फूल, तो फूल का हमें सिनोनिम देखना है, ये है इडियट। जो मूर्ख होता है उसे इडियट भी कहते हैं और फूल भी कहते हैं, बाकी सब ऑपोजिट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है विच इज़ द करेक्ट सिमिलर पेयर, तो सेम टू सेम हमें देखना है, मतलब सिनोनिम देखना है। डे कोल्ड नहीं है, ये भी नहीं है, पुअर रिच भी नहीं है, ये है इसका डी आंसर, क्योंकि प्रेजेंट भी उपहार होता है और गिफ्ट भी उपहार होता है, तोहफा जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है विच इज द
द करेक्ट सिमिलर पेयर, यही बात इसमें देखनी है। तो ये बिल्कुल अपोजिट हैं, ये भी अलग हैं, लाफ और स्माइल ये मिलते जुलते हैं, लाफ भी हंसना और स्माइल मुस्कुराना। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, हमें इसमें भी हमें एंटोनिम देखना है। तो एंटोनिम फिर से याद कर लो बच्चों, जो उल्टा अर्थ बताए उन शब्दों को एंटोनिम कहते हैं। तो स्वीट का, स्वीट होता है मीठा, तो मीठे का अपोजिट क्या होगा, सो। तो हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक रहेगा, फर्स्ट वाला ही हमें मिल गया है। नेक्स्ट है राइट, राइट होता है दाया भी होता है और ठीक भी होता है। तो बाकी सब में राइट है, पर इस ऑप्शन में है रॉन्ग, ठीक और गलत, तो ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है चूज द एंटोनिम ऑफ द वांटेड, तो वांटेड का हमें अपोजिट ढूंढना है, तो वो क्या होता है अनवांटेड, यू एन लगा देते हैं, ये इसके सामने प्रीफिक्स यू एन लगाते हैं तो अनवांटेड बन जाता है। नेक्स्ट है चूज द अपोजिट वर्ड्स ऑफ, ये ध्यान रखना है यहाँ पर सिमिलर पूछा गया है कि अपोजिट पूछा है, तो सिमिलर का अलग आंसर आएगा और अपोजिट का अलग आंसर आएगा। अब हमें बताना है लिटरेट, लिटरेट होता है शिक्षित, तो इसका हमें अपोजिट बताना है, ये होता है इलिटरेट, तो शिक्षित और अशिक्षित, पढ़ा लिखा हो उसे लिटरेट कहते हैं, जो अनपढ़ हो उसे इलिटरेट कहते हैं। नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज देखते हैं, इसमें क्या है एंटोनिम, एंटोनिम फिर से वही एंटी है, जो एंटी मतलब अपोजिट है, जो एडवांटेज का है ये बन जाएगा, इसके सामने सफिक्स प्रीफिक्स लगाने से डिस लगा देंगे तो डिस एडवांटेज बन जाता है। नेक्स्ट है पार्शियल, पार्शियल का जब हम अपोजिट बनाते हैं तो उसमें इम जोड़ देते हैं प्रीफिक्स और ये इम्पार्शियल बन जाता है। नेक्स्ट है एफिशिएंट, एफिशिएंट का अगर हम वो बनाएंगे अपोजिट तो वो बनेगा इनएफिशिएंट। नेक्स्ट है फिर से हमें एक और एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो है सिनोनिम की, मतलब सिमिलर वर्ड्स की, प्रायवाची जिन्हें हिंदी में बोलते हैं डिलीशियस, डिलीशियस होता है स्वादिष्ट, और उसका सेम वर्ड है यम्मी, यम्मी भी क्या होता है स्वादिष्ट। नेक्स्ट है इनॉर्मस, इनॉर्मस होता है बहुत बड़ा विशाल, और इसका इंग्लिश में है ह्यूज, ह्यूज भी क्या होता है विशाल। नेक्स्ट है टेरिबल, टेरिबल होता है भयानक और डरावना, और सेम इसका मीनिंग है ऑफुल, इसका भी क्या मतलब होता है भयानक। तो बच्चों आज आपने देखा कि सिनोनिम क्या होते हैं, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जिनका मीनिंग सिमिलर हो, दो वर्ड हैं मीनिंग सिमिलर है तो उन्हें क्या कहते हैं सिनोनिम, और है एक एंटोनिम जो कि अपोजिट मीनिंग होता है, बिल्कुल ही दूसरे वर्ड का, रात दिन जैसे होते हैं तो इस तरह की बातें होती हैं। तो ये हमने आज सीखा, आज के लिए बच्चों इतना ही, गुड बाय।